आए हैं बुरखा लेने माल पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले। अच्छा रोजा है? रोजा तो है यार, रोज जैसा रोजा तो है। ओह माय गॉड, खा तो लेते हैं अमन भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, स्वागत है आपका आज के इस ब्लॉग में। आज है भाई शबेरात और अभी मैं जा रहा हूँ ईदगाह पर, अभी मतलब नमाज वगैरह पढ़कर ईदगाह पर जा रहे हैं और साथ में हमारे हैं अमन। अस्सलाम वालेकुम। ओह माय गॉड, इन्होंने सलाम भी करा है भाई साहब, अपनी हेल्थ की तरह सलाम करा मेरे भाई ने। तगड़ा आदमी है हमारे छोटे भाई हैं, बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं एकदम, देखें खाते पीते हैं इस भाई से हमारी शादी। खाते पीते हैं भाई, तो इसका मतलब हम नहीं खाते क्या? तुम भी खाते हो, तुम्हारे पर लगती नहीं है, हमारे पर लगती है अल्हम्दुलिल्लाह। सैयदुल अंबिया मिश्रालुन फिल वफा कान फी अत्फी लिलियतामा दीफा हन्ना कल्बी लहू فاز شوقا إلي ليس أرجو سوى شربة من يدي السلام गाइस देखो कितने बड़े बड़े हथौड़े हैं यहाँ पर। अमान भाई नहीं, अमान भाई नहीं, हल्के हैं, उठा लो जेब में रख लो, आ जाओ चल। तमाम घोड़े ही घोड़े होते हैं यहाँ पे। मान भाई बैठना की घोड़े घोड़े पे बैठ तो जाता, लेकिन अगर मैं बैठ गया तो उसकी टांगे वांगे चिरा क्या होगा? है डालो घोड़े वाले को दवाई देनी पड़ेगी। कोई बात नहीं है यार, तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसा घोड़ा लाएंगे हम, बिल्कुल एकदम मजबूत। हाथी पे बैठने लाएगा क्या फायदा, ये घोड़े वाला का नुकसान नुकसान हो गया तो और बस। ये भी सही। तो भाई अभी जो है हम वहाँ से आ रहे हैं, जलसे में से आ रहे हैं, काफ़ी देर बैठे हैं वहाँ पर, और अब इंशाल्लाह अपनी मस्जिद में जाएंगे या फिर घर पर, वहाँ पर इंशाल्लाह इबादत करेंगे। और पर रास्ते में जो है ना कुछ खाएंगे, भूख वूख लग रही है, इतनी देर भूखा नहीं रहा जाता ना, मसला ये भी है। रोज़ा वैसे ही रखना कल है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह दोनों दो। तो भाई अब मारूफ चिकन पर आए हैं हम, और यहाँ पे ना अभी एक यहाँ पे किस्सा हुआ, एक भाई जा रहा था, मैंने उससे कहा भैया पॉपकॉर्न दो तीन बार, बोले भैया मैं यहाँ पे काम थोड़ी कर रही हूँ, मैं भी अपना ऑर्डर ही लेना आया हूँ। ये आ चुके हैं अपने चिकन पॉपकॉर्न, और ये इसकी क्या कहते हैं मायोनीज, चटनी, ये मायोनीज, ये सॉस, लेकिन इसका असल मज़ा जो है सिर्फ मायोनीज के साथ ही है। अरे ये रह गया, ओह माय गॉड, खा तो लेते हैं अमान भाई, मजा है, पहले चबा तो लेते हैं, चबा के बताया, पहले लगाना, पहले लगाना, रिव्यू तो बाद में देना। कैसा है, बढ़िया है? भनक लग गई चिकन की, भी ऊपर को चढ़ दे मारो, इनकी होगी लग से। तो किसी नई चीज की, किसी नई चीज की पिन्नी छुटाने का अलग ही मजा है। तूने तो एक ही झटके में छुटा दी, एक ही झटके में छुटाने का था प्यार से ऐसे। ओह माय गॉड, सजावट देखो। तो भाई अब जो है ना फजर वगैरह जो है पढ़ ली है, और रात का आखिरी हिस्सा ख़त्म हो चुका है, और सहरी वगैरह भी अभी खाई थी, तो अब नमाज वगैरह पढ़कर आ चुके हैं, और अब जो है सोने की तैयारी है, बाकी मिलेंगे अब कल को। तो गाइस अब फजर का वक्त ख़त्म हो गया, देखो सूरज निकल गया, कहाँ गया सूरज? अब दरअसल दोपहर के दो तीन बज रहे हैं, और ज़रा जाऊँ इसके पुल पर आए थे ऐसे चक्कर मारने।
तमाम बमी बम फूटे। और इधर देखिए गाइस, यहाँ पे जो रेता वगैरह होता वो भर के लेके जा रहे हैं, पार कर रहे हैं इधर को। बम फोड़े थे आपने? अरे हम तो खुद बम हो गए यार, हम तो सो गए जाके। क्यों? नींद आ रही थी बहुत। अरे अच्छा एक चीज देखिए, इन्होंने लागत लगवाई है अपने चेहरे के ऊपर अभी अभी, दरो ताजा लागत। हाँ दिखाओ तो। फेयरवेल में जाना है। कहाँ पे जाना? फेयरवेल। दावत है फेयरवेल में? 300 रुपए लेके दावत दी। चलो चलो चलो, कल को मैच खेलने चलना है भैया। चलो ओ तो तुम्हारे अंदर का डिविलियर्स जाग रहा है। नए बल्ले लेके आए थे हम कश्मीर से, वो खेलेंगे उससे। एक बल्ला और लाए थे भाई साहब, वो बल्ला नहीं, वो होता है ना क्या कहते हैं उसे, वो हरियाणा ज्यादातर जो दिल्ली में चलते हैं ना लड़ाई के लिए, वाले बल्ले ये लाए थे। हम भी लड़ाई हो जाएगी, हम भी गाड़ी से निकाल के मारेंगे। तो मेरे हाथ में आया था वो बल्ला, मैंने कहा जरा टेस्टिंग करूं कैसा। इन्होंने 70 रुपए की ग्रिप लगवा के लाया, मैंने कहा चेक करूं। मैंने 4 बार जमीन में मारा, 3री बार तक तो सही सलामत रहा, 4 बार उसके दूसरा टुकड़ा हो गया, 2 टुकड़े होगा 4थी बार में। अब क्या होगा यार किसी को? पर वो मैंने देखो, मैंने दो दो हिस्से कर दिए ना, अब एक तुम रखना एक मैं रखना, ऐसे करके किसी को अगर तोड़ देता ना मैं पूरे जान में कहता साले बल्ले तोड़ दिए। अच्छा रोजा है? रोजा तो है यार, रोज जैसा रोजा तो है। तेरी माँ खुल गई थी है? पुल पे आने का दुख है, रात ना आने का दुख रहा। अरे पुल पे आना था, देखना था कैसे कैसे फिर कहीं उड़ लेंगी रानियाँ। मुझे तो रात नींद आ रही थी तो मैंने एक नैप ले ली थी आधे घंटे की, फिर उसके बाद उड़ गया था दोबारा। हमने भी एक नैप ली, हमारी नैप कुछ ज़्यादा लंबी हो गई थी। तुम नैप में सपने अपने में खो गए थे? क्यों नहाएंगे? क्योंकि इन्होंने बाल कटवाए ना, इन्होंने तो बाल वगैरह जो है बॉडी पर आ जाते हैं, तो इस वजह से नहाएंगे। कोई वो कुछ नहीं, मैं इनसे कह रही हूँ कि अभी एक मैच खेलने चल रहा है सिंगल विकेट, मैं और तुम गवर्नमेंट कॉलेज पे ही जा नहीं रहा, चलो यार। तो बता आदमी रोजा है जान नहीं खा चाहिए। एक तो रोजा बिल्कुल पता नहीं लग रही है, ठंड भी हो रही है ना, थोड़ा प्यास लग रही है। मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी प्यास भी लगने लगेगी तो थोड़ा रोजा भी पता लगने लगेगा। तो हमने सोचा कि अभी थोड़ी देर बाद उठ के पानी पी लेंगे, वो पता चला आधान हो गए, वो एक ही हुड में रह गए। तो आप ख्यालों में खोए भी तो पड़े हुए थे, सोए हुए थे। चलें खैर, कल को चलेंगे, कल को अभी चलो, हम तो कह रहे हैं क्रिकेट के लिए तो ऑलवेज रेडी। तो भाई अभी ना हम एकता विहार की साइड आए थे और यहाँ पर देखा अपार्टमेंट्स वगैरह बन रहे हैं, ये सब जगह जो है तुड़वा के यहाँ पर अपार्टमेंट वगैरह बन रहे हैं। और इस साइड जो है ये मस्जिद बन रही है, यहाँ पर मस्जिद की तामीर हो रही है लगभग, मतलब पूरी बन चुकी है, बाकी यहाँ पर अंदर का काम हो रहा है। गाइस हम शरफुद्दीन भाई के पास आए थे अपने दोस्त के पास। अरे मुंह की दिपका रहा हूँ, ऐसे क्या कर दिया? अरे 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 शरफुद्दीन भाई मत बनाया यार, पता नहीं ये क्यों शर्मा रहे हैं। मजाक से हट के बता रहे हो यार, करते लोग जब ही करते रुको आइता। पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले। तो वही अब जो है ना हम आए हैं बुरखा लेने माल भाई के लिए। काला बुरखा ले रहा है मुंह छुपाने के लिए।